बीते करीब 40 दिनों से अतिक्रमण अभियान पर ब्रेक लगा हुआ है। रेलवे रोड पर कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चली है। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने बताया, अतिक्रमण अभियान के दौरान खाली कराए गए रेलवे स्टेशन रोड पर नाली व सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू होना था, वह हो जाएगा। आपको बताते चलें, बीते 4 अगस्त को रेलवे रोड के निर्माण के लिए पालिका में टेंडर होना था, जो कि किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद कोई टेंडर ना हो पाने की स्थिति में रेलवे रोड का निर्माण लंबित पड़ा हुआ है, जिससे कि वहां के राहगीरों और दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के पोलों की बात की जाए तो बिजली विभाग ने एस्टिमेट बनाकर संबंधित विभाग को भेज दिया है, पर अभी तक रेलवे रोड के सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया, नगर पालिका को जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कराने के आदेश दिए गए हैं। 25 अगस्त को टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है। 26 अगस्त से कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने ठेकेदारों को आश्वस्त करते हुए बताया, जो ठेकेदार किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति को देखकर असमंजस में हैं, उसके लिए निर्माण कार्य प्रारंभ से पूर्व नगर मजिस्ट्रेट स्वयं रेलवे रोड पहुंचकर अपनी देखरेख में चिन्हांकन कर निर्माण कार्य चालू कराएंगी। तो वहीं बाकी जगह से अतिक्रमण न हटने के सवाल पर उन्होंने बताया, फोर्स की उपलब्धता न होने, अग्निवीर भर्ती कार्यों में व्यस्तता के कारण अभियान पर रोक लगी हुई है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया, उक्त मामलों से निर्वत होकर अभियान पुनः शुरू कर दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी दी है पीपीएफ लाइव को नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने, आइए सुनते हैं। मैम, रेलवे रोड पर अतिक्रमण अभियान बंद हुए करीब लगभग 1.5 से 2 महीना होने जा रहा है। सड़क बननी थी वहाँ पर, अभी तक सड़क का निर्माण कार्य चालू नहीं हो पाया। बीच में टेंडर होने की भी बात की गई थी, तो क्या टेंडर अभी तक हो पाया है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सभी कार्य नगर पालिका फरुखाबाद से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पे अतिक्रमण अभियान था, तो मैं और टीम के द्वारा हटवाया गया ये। और मेरी माननीय जो चेयरपर्सन है उनसे बात हुई थी, उनके द्वारा बताया गया कि 25 तारीख को लगभग टेंडर फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सड़क थोड़ी सी पहले से चौड़ी हो गई है, तो कई जगह से लोगों ने कुछ विवाद होने की संभावना हो सकती है, ऐसा ठेकेदारों को डर है। तो उसके लिए मैंने आश्वस्त किया कि हम लोग स्वयं जाके अपनी उपस्थिति में वहाँ चिन्हांकन कराएंगे। जहाँ अतिक्रमण हट चुका है, ठेकेदारों को दिक्कत नहीं होगी, और मुझे लगता है ये 27-28 तारीख से रोड बननी शुरू हो जाएगी। मैम, रेलवे रोड पर अतिक्रमण अभियान बंद हुए करीब लगभग 1.5 से 2 महीना होने जा रहा है। सड़क बननी थी वहाँ पर, अभी तक सड़क का निर्माण कार्य चालू नहीं हो पाया। बीच में टेंडर होने की भी बात की गई थी, तो क्या टेंडर अभी तक हो पाया है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सभी कार्य नगर पालिका फरुखाबाद से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पर अतिक्रमण अभियान था, तो मैं और टीम के द्वारा हटवाया गया ये। और मेरी माननीय जो चेयरपर्सन है उनसे बात हुई थी, उनके द्वारा बताया गया कि 25 तारीख को लगभग टेंडर फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सड़क थोड़ी सी पहले से चौड़ी हो गई है, तो कई जगह से लोगों ने कुछ विवाद होने की संभावना हो सकती है, ऐसा ठेकेदारों को डर है। तो उसके लिए मैंने आश्वस्त किया कि हम लोग स्वयं जाके अपनी उपस्थिति में वहाँ चिन्हांकन कराएंगे। जहाँ अतिक्रमण हट चुका है, ठेकेदारों को दिक्कत नहीं होगी, और मुझे लगता है ये 27-28 तारीख से रोड बननी शुरू होगी।